हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आई नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, हम आज ये सीखेंगे कि जीएसएम प्राइम को कैसे फ्लैश करते हैं। ये आप तब कर सकते हैं जब आपका फोन चालू नहीं होता या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है। तो मैं जल्दी शुरू करते हैं, मैं जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले अपने फोन को शट डाउन कर लीजिए पूरी तरीके से, पावर ऑन कर लीजिए। पावर ऑफ, ये पावर ऑफ हो गया। अब आप वॉल्यूम डाउन, बीच का बटन और ये पावर बटन एक साथ दबाइए। इस टाइप का आएगा, फिर वॉल्यूम अप, डाउनिंग मोड में आ जाएगा। तो आप एक डाटा केबल अपने कंप्यूटर में लगा दीजिए और एक अपने फोन में लगा दीजिए। ये आ रही है हमारे कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी फ़ोन को फ्लैश करने के लिए कुछ कुछ नेसेसरी फाइल्स चाहिए रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो उसका स्टॉक रोम, आप उसको डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसे जेएसएम प्राइम का हमने सर्च करके रखा हुआ है। और दूसरा होता है फ्लैश टूल, जिससे हम फ्लैश करेंगे। जैसे सैमसंग के लिए फेमस होता है ऑडिन, ऑडिन का कोई सा भी वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करने के लिए। और तीसरा होता है इसका यूएसबी ड्राइवर। और सैमसंग की खास बात ये है कि मतलब इसका एक यूनिवर्सल ड्राइवर आता है, आपको इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको कोई भी दूसरा ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप उसी से फ्लैश कर सकते हैं। वो भी आपको गूगल में सर्च मारने पर मिल जाएगा। मैं सब जो भी है इन सबका, स्टॉक रोम का, यूएसबी ड्राइवर का, फ्लैश टूल का लिंक और सबका डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं जेएसएम प्राइम सैमसंग का, उसको फ्लैश करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फ्लैश टूल ऑन कर लेंगे ओडिन, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। यहाँ पे यस नो करेगा तो यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे दिखाएगा कॉम पोर्ट 7 में एडेड हो गया है, मतलब हाँ चेक कर लिया गया। यहाँ पे एडेड नहीं दिखाएगा मतलब हमारा यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है। सबसे पहले BLAP CPCSC तीनों फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन जेएसएम प्राइम को फ्लैश करने के लिए एपी फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है और सीएसपी फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम एपी फाइल में सेलेक्ट कर लेंगे एपी फाइल, जो भी आपका स्टॉक रोम होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप के फाइल्स निकलेंगे इतने सारे, तो आप यहाँ पे एपी फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एपी फाइल सेलेक्ट होने में टाइम लगता है, हो सकता है नॉट रिस्पॉन्डिंग भी हो जाए ऑडिन, लेकिन वेट कीजिएगा वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा देर हम इसको स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ एपी फाइल सेलेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ सीएसपी फाइल पर क्लिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा, हमें ये सीएसपी फाइल क्लिक नहीं करनी, होम सीएसपी ये जो लिखा है उसे क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो ये तुरंत लोड हो जाएगा, दो मिनट वेट कर लीजिए। यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे लोड हो गया। तो अब यहाँ पे हमें तुरंत कुछ नहीं करना, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चालू हो जाएगा, यहाँ पे बूट को फ्लैश कर रहा है, रिकवरी फ्लैश कर रहा है। तो जब ये पूरा हो जाएगा मतलब ये पूरी तरह से फ्लैश हो जाएगा और यहाँ हमारे फोन में कुछ इस टाइप का चालू हो गया। तो इसे पूरा हो जाने दीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ ताकि हम देख सके क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ये कम्प्लीट होने वाला है और ये लगभग कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिसेट लिखा है, फोन रिसेट हो चुका है। यहाँ पे पास लिखा है मतलब हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फोन पे देखते हैं तो फोन पे कुछ इस टाइप का है, तब ये नॉर्मली चालू हो जाएगा हमारा फोन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।